रामलला का भव्य, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बोला कि रामलला का तो भव्य मंदिर बन गया, काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य 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 मंदिर का काशी में, काशी में निर्माण हो रहा है, और वहां रास्ते साफ, अब मथुरा में भी होगा। वहां शफीकुर रहमान बर्क ने बोला कि मुसलमानों को उकसाने की बात करें, किसानों की तरह मुसलमान सड़क पे आया जो सपा के सांसद है, तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तो उनसे बात करिए ना, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं आप, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बर्क? तो केशव मौर्य की स्टेटमेंट पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि केशव मौर्य कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर है, पोस्ट पर है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनका आदर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, बस इतना कह रहा हूं, और क्या है। सलमान खुर्शीद साहब, आप मंच पर आए, आपने सवालों का जवाब दिया, फिर मैं एक बार आपको आखिर में जरूर एक सवाल पूछूंगा, यह आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपने जो किताब लिखी वो बिक जरूर गई होगी, लेकिन उसने कंट्रोवर्सी को खड़ा कर दिया? एक मैं उसको बैठा दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, काम तो सिर्फ बैठाने का है, बैठा दूंगा, आप मत खड़ा करिए, बैठ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। कैसे बिठा कैसे देंगे, आप तो और बढ़ा रहे हैं। इसलिए बैठा देंगे कि ऐसा मत भूलिए, ये किताब किसी एक कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखी गई है जी, ये पूरे भारत के लिए लिखी गई है, भारत के लोगों के लिए लिखी गई है, उसमें हमारे हिंदू साथी हैं, हमारे ईसाई साथी हैं, उसमें हमारे सिख साथी हैं, हमारे मुस्लिम साथी हैं, सब लोगों के लिए किताब लिखी गई है, और जब सब लोग इसे स्वीकार करेंगे तो जो मेरा कैसे सपना... मैं फिर पूछ रहा हूँ, अभी मैं ऑडियंस पे ही अगर मैं हाथ खड़ा करवा लूँ कि कितने लोग आपकी किताब को स्वीकार करेंगे, तो ये पहले कहिए कितने किताब पढ़ी है, और फिर सबसे कहिए जाके, पॉइंट तो सभी ने पढ़ा है, सबसे मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। अरुण, कुछ सवाल ऑडियंस पूछने जा रही है, एक तो सलमान खुर्शीद साहब, मेरा ही सवाल है पहले लोगों के पास जाने से पहले, बताइए बताइए, पहले तो ये कि आपकी इस किताब के बाद आपकी पूरी पुरानी किताबों की भी खोजबीन शुरू हो गई, उसमें एक किताब आपके जिसमें 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए उनका जिक्र करते हुए आप कह रहे हैं कि 1947 में जो खून बहा था मुसलमानों का, उसका एक तरह से बदला है जब हिंदू और सिख इनका आज खून बह रहा है, तो क्या ये बात सही है, क्योंकि ट्विटर पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है? बड़ा सिंपल है, किताब पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो है, यहाँ पे है किताब, किताब पढ़ लीजिए। नहीं, हाँ। इस पे मत पढ़िए, किताब हाँ। लीजिए, पूरी किताब पढ़िए, मतलब किताब खरीदना, ऐसा करिए, अब किताब नहीं पढ़ी तो आज सवाल भी मत पूछिए। नहीं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या वो गलत है? सुनिए, सोशल मीडिया पे कर दीजिए आप, खंडन इनके सामने कर चुका हूँ, ये बार बार क्यों बात वो पूछ रहे हैं, मैं कह चुका हूँ कि इसको मैंने कहा कि ये गलत था, वहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टेरिबल, दिस इज अ टेरिबल थॉट, टेरेबल थॉट, समझ गए ना टेरेबल क्या होता है, तो इसलिए पहले किताब पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, कोई नहीं। और भी सवाल, और कई लोगों के सवाल, एक बात बताऊं, सुन लीजिए, उस किताब का विमोचन किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन में किया था। चलिए रमन आगे है उधर, और अब एक सवाल पूछना चाहते हैं ब्रजेश सिंह। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार जो हिंदुत्व की जो आपने की है सिमिलरिटी विद ISI, तो ISI की जो विचारधारा है वो ये है कि सबको मारो और पूरी जगह में इस्लाम को कायम करो, इस पर उससे चल रहे हैं ये, तो आपने जो ये कहा तो ये ठीक नहीं है, तो आप इसको गलत मान क्यों नहीं लेते कि यहाँ ये गलत है और उसको जो है कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी? क्या आप क्या इस बात की भीख मांग रहे हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म करने के लिए मैं आपको भीख दे दूँ? बात सुनिए सुनिए, एक सवाल पूछ सकते हैं आप, बहस मत करिए, नहीं बहस मत करिए, सवाल पूछिए। लेकिन आपने सिमिलरिटी क्यों की है? सिमिलरिटी इसलिए की कि क्योंकि ऐसे विचारधारा हिंदुओं की हिंदुत्व की है ही नहीं जैसे आईसीए। अगर नहीं है तो खुश रहिए ना, प्रॉब्लम क्या है, खुश रहिए, अगर नहीं सर, है अगर, तो जी खुश रहिए ना, तो लिखा क्यों सर? अरे खुश रहिए, बताइए बताइए, आप पुलिस के, आप पुलिस के इंस्पेक्टर नहीं है तो ये मत पूछिए। नहीं तो मैं प्लीज, आपने अपनी बात कह दी, मैंने उसके सम्मान से कह दिया, आप खुश रहिए, क्योंकि कई सारे सवाल है। रमन जी सवाल पूछना था, रमन जी हाँ, एक सवाल यहाँ से, छोटा सवाल, बहस मत करिएगा, सवाल बिल्कुल छोटा है। हाँ खुर्शीद साहब नमस्कार, मेरा नाम संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब जी, जब पूरे हिंदुस्तान को यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करते हुए आपको केंद्र से लेकर के अन्य राज्यों से आपका पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में इस किताब का विमोचन क्या कांग्रेस पार्टी को हाशिए में धकेलने के लिए काफी नहीं था? यह कैसे मान लिया जाए कि आप जैसे समझदार या जानकार विद्वान आदमी इस बात से रूबरू नहीं थे? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपका जो सवाल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये है कि कोई गलत काम कर रहा है इसलिए मत कहो कि गलत काम कर रहा है, क्या ये सवाल है? क्या सवाल ये है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने दो? ये एक बड़ा, कोई बात नहीं, मैं तो चुनाव हार चुका हूँ तो मुझे तो अनुभव है हारने का। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि हमने एक लकीर खींची है, आइडियोलॉजिकल, एक आइडियोलॉजिकल लकीर है,
कौन इस तरफ है कौन उस तरफ है, पर बोको हरम की तरफ तो कोई नहीं आने वाला। बोको हरम तरफ आप नहीं है, मैं आपके लिए आपको इस बात की बधाई देता हूं, लेकिन पता नहीं कब आपको अपना मीडिया वहां पहुंचाने के लिए उनका भी समर्थन नहीं, करना पड़ेगा। नहीं, 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 मुझे लगता है कि छोड़िए छोड़िए छोड़िए, अरे बात अब आपकी बात हो गई, उनसे जी 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 उनसे ब्रजेश ब्रजेश उन बेचारों को पूछने दीजिए। ब्रजेश और रमन मलिक का अमन तीन सवाल, ठीक है ब्रजेश जी। खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा यह जा रहा है, खासतौर पर जो उनके जो सबसे बड़े चेहरे हैं, कि भाई वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। क्या भारत में इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि वो चार दिन दिखते हैं, आठ दिन गायब हो जाते हैं? आप मेरा अपना पर्सनल व्यू अगर जानना चाहते हैं, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मैं दुनिया जाके सोशल वर्क करता हूँ, और उसके साथ साथ लीगल मैटर्स भी करता हूँ। हर जगह कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकली जुड़ा हूँ। जब मैं लीगल मैटर्स करता हूँ तो लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है उनके लिए फ्री लीगल मैटर्स भी करता हूँ, मेरे लिए वो भी पॉलिटिक्स है। जब मैं एनजीओ चलाता हूँ तो वो भी मेरे लिए पॉलिटिक्स है। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स का है कि सुबह से शाम बैठ कर लोगों को उल्लू बनाओ, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोफेशनल लोग जो कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और हमको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहता है कि ये भी पार्ट टाइम अगर हो जाते तो बेहतर होते ये एज एन एंकर, लेकिन आप बेचारे मजबूर हैं, फुल टाइम एंकर मजदूर आदमी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजदूर मेहनत मेहनत करने में शर्म नहीं आती। आपने देखा मजबूर मजदूर हो गया, हिंदुत्व हिंदुज्म हो गया, इस तरह से ये खेल जी, करते जी, हैं जी, इस तरह से ये चलते हैं। एक सवाल सलमान खुर्शीद साहब, एक सवाल है अमन चोपड़ा, आपकी किताब पर इन्होंने पूरा शो किया था, एक्सपर्ट हैं आपकी किताब के, ये एक सवाल पूछ। नहीं, एक्सपर्ट नहीं है। सलमान सर, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कहा कि हिंदुत्व ISIS और बोको हरम की तरह, राहुल गांधी ने कहा कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, विचारों में इतनी समानता, इत्तेफाक है, संयोग है, राहुल गांधी के भी विचार वही और आपके भी विचार वही, क्या पार्टी का समर्थन है आपकी किताब को? देखिए, पार्टी का मेरी किताब को समर्थन हो या ना हो, लेकिन हमारी पार्टी में इतनी आज़ादी है, थॉट प्रोसेसेस की आज़ादी है, कि आप पार्टी के दायरे के अंदर जो सही समझते हैं, हो सकता है हर एक को सहमति ना हो पार्टी में उस बात से, लेकिन हमारी पार्टी एक लाइव पार्टी है। हमारी पार्टी वैसी नहीं है जैसी BJP की है, जिसने एक ने कह दिया तो एक ने सबने उंगली उठा दी, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपस में विचार विमर्श होता है, हमारे आपस में डिसएग्री करते हैं, और अंततः फाइनली हम लोग बैठकर ये तय करते हैं कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या होनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ, इसलिए स्वागत करता हूँ कि अगर वो कुछ और कह देते तो मेरे लिए आप जो सवाल पूछते वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। जी जी, एक सवाल हितेश और रमन जी। जी एक सवाल रमन जी, कहाँ रमन जी पूछिए। एक तो खुर्शीद साहब, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कुछ भी एक डेरोगेटरी सा बोल देना बहुत अच्छी बात नहीं है, नॉट फ्रॉम अ सीजन पॉलिटिशियन फ्रॉम यू। कब कहा मैंने डेरोगेटरी? अभी आपने बोला रचपून जी हैं, कर देते हैं, टचपुंजी तो है उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी हैं, सब जगह हैं। भाई साहब, मैं भी हूँ भाजपा में, मैं टचपुंजी नहीं, आई टेक पर्सनल ऑफेंस अगेंस्ट इट, बट एनी आप टचपुंजी हैं इसलिए नहीं साहब, मेरे को आप नहीं है तो फिर व्हाई डू यू टेक ऑफेंस? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं प्रूव करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा कुछ लगा है, आपके बारे में कुछ कहा होता तो आई वुड से आई एम सॉरी, लेकिन किसी और के बारे में लगा है तो देखेंगे। वो भी यहाँ बहुत कुछ कह के गए मेरे बारे में, आई एम सॉरी, मेरे बारे में बहुत कुछ। सुनिए, मैं अभी आपको संक्षेप में, आप एक तो दूसरों के अम्मा के लिए बात कर रहे हैं, आपने 12 दिसंबर 2013 को एक बयान दिया था कि एक माइनो आंटी जो है वो पूरे भारत की अम्मा है, वो क्या था? दूसरी चीज सर सॉरी, आई थिंक सर, आप पार्टी की बहस करना चाहते हो, कभी वो कभी और कर लेंगे सर। आप आए, आपका बहुत बहुत सॉरी शुक्रिया, बहुत बहुत, यू डोंट मेक एन इंप्रेशन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया। अरे सर अभी है, पर हमारा आखिरी बिल्कुल, इसके बाद अगला सेशन भी है। अरे नहीं नहीं, देखिए चलिए, एक अगर आप अनुरोध करते, एक सवाल, छोटा सा सवाल। जी 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 सर, समय समाप्त हो गया, माफ करिएगा, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त समय समाप्त हो गया। योगी आदित्यनाथ हमारे